हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स के अपने इस चैप्टर में अब तक हम चैप्टर का पहला भाग कंप्लीट कर चुके हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का ये पहला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आधारभूत पार्ट था। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अगले हिस्से में। हेरिडिटी के अध्ययन के दौरान मैंने आपको बताया था कि हम पूरे हिस्से को तीन भागों में पढ़ेंगे। मेंडल के पहले का वक्त प्री मेंडलिज्म, जिसमें हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं। फिर मेंडल का अपना समय जिसको मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, और मेंडल के बाद का समय। अब मेंडल ने किस तरह से अपने क्रॉसेस किए, क्या उनके परिणाम रहे, क्या उनके निष्कर्ष रहे, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम अगले हिस्से पर आते हैं, पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म का मतलब है मेंडल के बाद हुए कार्य। मेंडल का कार्य सन 1900 में तीन स्वतंत्र वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया और फिर उसे पुनः प्रकाशित कराया गया सन 1901 में। तो उसकी पुनर्खोज और पुनर्प्रकाशन के बाद से ही हम पोस्ट मेंडलिज्म की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। और ये उस समय से सन 1900 से लेकर के इवन आज तक का समय हम सारा इस पोस्ट मेंडलिज्म में कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम 1900 से भी गिने तो आज 120 साल हो गए। ये जो समय है, ये वो समय है जो बाकी दोनों की तुलना में देखा जाए तो समय को बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि मेंडेलियन जेनेटिक्स का समय सबसे कम है। पोस्ट मेंडलिज्म की कोई बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं है, 120 वर्ष को बहुत बड़े नहीं माने जाते साइंस में, लेकिन इस दौरान जो काम हुए वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब मेंडल का काम वापस आया और जब फ्लोरा जर्नल में पब्लिश हुआ तो लोगों को काम करने का तरीका समझ में आया कि किस तरह से जेनेटिकल क्रॉस किए जाते हैं, क्या परिणाम आते हैं और उन परिणामों की क्या विश्लेषण और क्या निष्कर्ष आते हैं। वंशानुगति की आधारभूत चीज़ें समझ में आई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि काम करने का एक रास्ता, एक तरीका मिल गया। लोगों ने मेंडल के ही तरीके को अपनाया, बस उन्होंने तरीका वही रखा, खाली जीव बदलते गए। जहाँ पाइजम सटाइबम मटर पर मेंडल ने काम किया तो उसके बाद आए लोगों ने ये जीव बदल लिया। जैसे उसके बाद आते हैं बैटसन और पोनेट। तो बैटसन और पोनेट ने मीठी मटर, स्वीट पी पर काम शुरू किया। क्रॉस करने के पैटर्न वही रखे मेंडल वाले, लेकिन जीव बदल लिया गया। फिर उसके बाद आते हैं मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला जंतु लेकर के काम किया। तो इस तरह से आगे जो है, अब देखिए एक काम करने का सही तरीका मिला, अब समझ में आने लगा कि रिजल्ट क्या आएंगे, क्या चीज़ देखी जानी है। बस अलग अलग जीवों में हम इसको जो है वापस से इन क्रॉसेस को किए गए। अब हुआ क्या, देखिए जब अलग अलग जीवों पर काम हुआ तो जो बातें मेंडल ने बताई वो तो मिली, लेकिन उसके अलावा भी कई और चीज़ें मिली जो मेंडल को नहीं दिखी। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि मेंडल ने सारी जेनेटिक्स खोज दी थी। मेंडल ने जेनेटिक्स का आधारभूत भाग खोजा था, और ऐसा भी नहीं है कि जो मेंडल ने बताया बस वही जेनेटिक्स है, उसके अलावा कोई जेनेटिक्स नहीं। बहुत सारी बातें और थी। अब एक केवल मटर के पौधे में और उसमें भी केवल 7 लक्षणों पर काम करके मेंडल को जेनेटिक्स की हर बात नहीं मिल सकती थी, ठीक है। इसलिए जब अन्य जीवों पर आगे काम हुआ तो ऐसी कई चीज़ें मिली जो मेंडल को दिखाई नहीं थी, मेंडल ने बताई नहीं, मेंडल ने खोजी नहीं, लेकिन बाद में उनको भी समझाया गया, ठीक है। अब ऐसे देखा जाए तो मेंडल द्वारा कही गई हर निष्कर्ष का हमें अपवाद मिल चुका है। हालांकि अपवाद मिलने से मेंडल के कार्य की महत्ता कम नहीं हुई। मेंडल का कार्य आज भी आधारभूत कार्य माना जाता है, अतुलनीय कार्य कहते हैं, एक ऐसा कार्य जिसकी कोई तुलना नहीं है, ये आधारभूत काम है। और बाद के हुए कामों की तुलना मेंडल से की गई तब जाके उन्हें समझ पाए। बाद में कई चीजें खोजी, बाद में जैसे अपूर्ण प्रभाविता की खोज हुई, तो हम अपूर्ण प्रभाविता इसलिए खोज पाए और समझ पाए क्योंकि प्रभाविता क्या होती है ये हम पहले जानते हैं, जो मेंडल ने दी, ठीक है। ऐसी कई चीजें, बाद में संलग्नता की खोज हुई है, लेकिन हम संलग्नता को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें अपव्यूहन पता है। तो बिना मेंडल की बातें समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते और आगे की चीजें खोज भी नहीं सकते। तो यद्यपि बहुत सारे अपवाद मिले हैं, ये अपवाद दर्शाते हैं कि सजीव जगत में बहुत विविधता है और कई तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है, लेकिन चीजों को समझने का जो आधार है वो हमें मेंडल से ही मिलता है, ठीक है। मेंडल की हर बात पर हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन मिला। मेंडल ने कहा था जोड़ी कारकों का सिद्धांत, तो हमने बाद में देखा कि कई जीव ऐसे हैं जो अगुणित हैप्लोइड है, उनमें कारक जोड़ में होते ही नहीं। मेंडल ने प्रभाविता का सिद्धांत दिया, तो अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता से लेकर बहुत सारे अपवाद आ गए, ठीक है। मेंडल ने पृथक्करण की बात करी, जो कि मेंडल का सबसे सार्वत्रिक नियम कहा जाता है,
उसमें भी नॉन डिसजंक्शन जैसा एक विरल अपवाद आ ही गया और मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन की तो सबसे ज्यादा आलोचना हुई, लेकिन उसी आलोचना के चलते संलग्नता जैसी एक बड़ी खोज हो गई। तो बहुत सी बातें आती थी जब मटर के अलावा अन्य जीवों पर मेंडल के ही तरीके से काम किया गया और कई नई चीजें भी खोजी गई। ठीक है, जैसे मेंडल ने कहा था कि जीन के बीच में किसी तरह की कोई अंतःक्रिया नहीं है, सब स्वतंत्र होते हैं। अलीलिक जीन भी आपस में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। नॉन अलीलिक जीन भी स्वतंत्र हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, उनका 3:1 और 9:3:1 शुद्ध रूप से गणितीय रेशो है, लेकिन बाद में लोगों को और वैज्ञानिकों को जीन के मध्य अंतःक्रियाएं मिली। देखा गया है कि सजीव जगत में उपापचयी कार्यों को निपटाने में जीन भी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि एक ही जीन बहुत सारे लक्षण बना रहा है, तो कई बार लगता है बहुत सारे जीन मिलकर के एक लक्षण बना रहे हैं। कई बार लगता है एक जीन दूसरे जीन के लक्षण बनाने में मदद कर रहा है, तो कई बार एक जीन दूसरे जीन को प्रदर्शित नहीं होने दे रहा है, संदिग्ध कर रहा है। ऐसे कई प्रकार के अंतःक्रियाएं दिखी जो मेंडल को नहीं मिली। ठीक है, और ये सत्य है कि जीन इंटरेक्शन होते हैं और बहुत सारे मिले भी से। ठीक है, अंतःक्रियाओं के साथ साथ और भी नए प्रकार की वंशानुगति मिली। कोशिका द्रव्य वंशानुगति आ गई। ठीक है, मात्रात्मक लक्षण और मात्रात्मक वंशानुगति आ गई। ठीक है, और भी चीजें। फिर आगे चलकर जब मॉर्गन आए तो जेनेटिक्स में गुणसूत्रों का भी रोल आने लगा और मेंडल के कारकों का लोकेशन स्थान दिया जाने लगा। मेंडल से पूछा गया था कि आपके ये कारक कहाँ होते हैं, किस चीज के बने हैं, जिसका जवाब मेंडल नहीं दे पाए। और मॉर्गन पहली बार समझाते हैं कि मेंडल के कारक गुणसूत्रों पर होते हैं। इस तरह से गुणसूत्रों की भी जेनेटिक्स में एंट्री इसी दौरान होगी। फिर आगे जाकर के गुणसूत्रों में भी कारक या जीन जो है, कारकों का नया नाम आ गया जीन, और ये जीन डीएनए होता है, वो सब चीजें आ गया। तो ये सारा मेंडेलियन पोस्ट मेंडलिज्म है जो 1950 तक तो गुणसूत्र के आधार पर चलता है, फिर डीएनए आ जाता है 1950 से लेकर आगे डीएनए के आधार पर वंशानुगति चलती है, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी कई बातें आ गई। तो बहुत कम समय में, 120 वर्षों के इस समय में कई सारी प्रगति हुई और कई सारी नई नई चीजें खोजी गईं। तो ये सब कुछ हमें अब आगे पढ़ना है। ये जो बचा हुआ चैप्टर है, ये अगला जो चैप्टर है वंशानुगति का आणविक आधार और इवन आगे बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एक तरह से पोस्ट मेंडलिज्म में ही आते हैं। ठीक है, हम पोस्ट मेंडलिज्म में सबसे पहले जीन अंतःक्रियाओं से शुरुआत करेंगे, जो हमारे सिलेबस में चीजें दी हुई है उन्हीं से लेंगे, जहां मेंडल ने कहा था किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया नहीं होती। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, मेंडल की चीजों के अपवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मेंडल का कार्य अपनी जगह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अतुलनीय कार्य रहेगा। शुरुआत तो हमें मेंडल को पढ़ने से ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जीन अंतःक्रियाओं की बात करते हैं, किस प्रकार की कैसी जीन इंटरेक्शन मिली और कौन कौन सी है। ठीक है, अलीलिक नॉन अलीलिक दोनों तरह की। तो देखिए, पोस्ट मेंडलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के बाद से पोस्ट मेंडलिज्म का आरंभ माना जाता है, यानी कि सन 1900 से आगे के कार्य। ठीक है, और इसमें हम जो सबसे पहला भाग लेंगे वो है जीन इंटरेक्शन, जीन अंतःक्रियाएं। ठीक है, जीन इंटरेक्शन को हम दो भागों में बांट लेते हैं अध्ययन के हिसाब से, अलीलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक जीन इंटरेक्शन को वन जीन इंटरेक्शन या इंट्राजीनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। अलीलिक का मतलब देखिए, तात्पर्य क्या है कि जो एक ही लोकस के जो जीन होते हैं उनके इंटरेक्शन। ठीक है, और इसीलिए इसको वन जीन, लोकस एक एक लोकस मतलब एक जीन माना जाता है। इंट्राजीनिक का मतलब ये कि एक जीन के जो विभिन्न अलील हैं उनके मध्य की अंतःक्रियाएं, इसलिए ये इंट्राजीनिक रहती हैं। अलीलिक जीन अंतःक्रिया एक ही लोकस पर उपस्थित जीन के जो विभिन्न अलील होते हैं उनके मध्य की अंतःक्रियाएं, और नॉन अलीलिक जो है वो अलग अलग लोकस के जो दो अलग अलग जीन है, टू जीन इंटरेक्शन, या उसे इंटरजीनिक कहेंगे। इंट्रा मतलब एक के अंदर की बात है और इंटर मतलब दो के मध्य की बात है। कैसे, इंट्राजीनिक इंटरजीनिक, वन जीन इंटरेक्शन टू जीन इंटरेक्शन कह सकते हैं, अलीलिक नॉन अलीलिक कहेंगे। ठीक है, जीन इंटरेक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जीन अंतःक्रियाएं जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई एक जीन दूसरे जीन को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई एक जीन दूसरे जीन को संदमित कर रहा है, दो जीन मिलके काम कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें। ठीक है, अब ये ठीक है, हमें जब ये जो अंतःक्रियाएं जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरह की अंतःक्रियाएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हमने इनकी क्रियाविधि देखी तो कुछ और बातें भी स्पष्ट हुई। ठीक है, जब हमने इनकी क्रियाविधि देखी तो हमें मालूम चला कि अंतःक्रियाएं भले कही जाती है जीन इंटरेक्शन, जीन अंतःक्रियाएं, लेकिन वास्तव में अंतःक्रियाएं जीन नहीं करता,
जीन डीएनए का एक खंड है जो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है, वहां से हिलता भी नहीं है। तो दो जीन मिलके काम कर रहे हैं या एक जीन दूसरे जीन को काम नहीं करने दे रहा, ये बात सब जीन पर हो रही है, लेकिन वास्तव में अंतःक्रिया जीन नहीं कर रहे। ये सब होती है उनके उत्पाद द्वारा। जीन का उत्पाद कौन? जीन से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो वास्तव में जीन का उत्पाद होता है प्रोटीन, डीएनए जो आनुवंशिक सूचना है उससे प्रोटीन बनता है, वही प्रोटीन कार्य करके फिर लक्षण बनाता है। तो दरअसल ये अंतःक्रिया उत्पाद स्तर पर होती है। जैसे यूं समझिए कि एक जीन ने एक उत्पाद, एक प्रोटीन बनाया, एक एंजाइम बना दिया मान लो। अब वो एंजाइम हमारे उपापचय, हमारे शरीर में चार पांच जगह काम आया। उस एंजाइम के चार पांच अलग अलग जगहों पर काम आने से शरीर में चार पांच प्रकार के लक्षण बन गए। हमें क्या दिखेगा? एक जीन ने पांच लक्षण बना दिए, बेचारे जीन को तो पता ही नहीं था। जीन का उत्पाद जो था प्रोटीन या एंजाइम, उसने बनाए पांच लक्षण। वास्तव में अंतःक्रिया उत्पाद से हो रही, जीन से नहीं हो रही। अब कई बार क्या होता है, दो अलग अलग जीन है, दोनों ने अपना अपना प्रोटीन बना दिया। अब दोनों के पॉलीपेप्टाइड मिलकर के एक एंजाइम बनाते हैं और एक कार्य करते हैं जिससे एक लक्षण आ गया। तो आपको क्या दिखेगा? दो जीन मिलकर एक लक्षण बना रहे, जबकि दोनों जीन को तो पता भी नहीं। दोनों जीन ने अपना अपना प्रोटीन या अपना अपना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई थी, उसके बाद ये दोनों प्रोटीन मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए एक लक्षण आ रहा है। तो उत्पाद के स्तर पर हुआ, जीन अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। कभी कभी एक जीन ने एक एंजाइम बनाया, उस एंजाइम ने दूसरे जीन के प्रोटीन को नष्ट कर दिया। आपको बाहर से देखने पर क्या दिखेगा? एक जीन ने दूसरे जीन को संदमित कर दिया। तो ये जितनी अंतःक्रियाएं हैं, ये अंतःक्रियाएं उत्पाद स्तर पर होती हैं, ध्यान रखिएगा। अपवाद हर जगह हैं, लेकिन ये मेनली उत्पाद स्तर पर होती हैं। अब आप देखिए, अगर उत्पाद स्तर पर अंतःक्रियाएं हैं तो इसका प्रभाव कहाँ मिलेगा हमें? फिनोटाइप पर या जीनोटाइप पर? अगर कोई काम उत्पाद के द्वारा हो रहा है तो उत्पाद से तो क्या बनता है? लक्षण, यानी फिनोटाइप। और एक बड़ी काम की बात मैं बता रहा हूँ जो अच्छी तरह से याद रख लेना, कि मैक्सिमम जितनी अंतःक्रियाएं हैं, क्योंकि ये उत्पाद स्तर पर होती हैं, अतः केवल फिनोटिपिक रेशियो में बदलाव आता है, फिनोटिपिक परिणाम में बदलाव आएगा, जीनोटिपिक रेशियो वही का वही रहेगा। जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलेगा, जीन अपनी जगह है, जो कुछ अंतर आ रहा है वो उनके उत्पाद द्वारा किए गए काम में आएगा। तो एक बड़ी विशेष बात है कि जब हम ये अंतःक्रिया पढ़ेंगे, क्रॉस बिल्कुल मेंडल की तरह जो किए गए वही होंगे, लेकिन उसमें जीनोटिपिक रेशियो भी वही आएगा, फिनोटिपिक रेशियो बदल जाएगा। मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मोनोहाइब्रिड में तब आता है जब कोई अंतःक्रिया नहीं होती एलीलिक जीन के मध्य, ठीक है। और मेंडल का 9:3:3:1 तब आता है जब दो नॉन एलीलिक जीन के मध्य, जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, उनके मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब अगर वन जीन इंटरेक्शन लेंगे, एलीलिक जीन अंतःक्रिया है, वन जीन मतलब या मोनोहाइब्रिड क्रॉस चलेगा, और टू जीन अंतःक्रिया है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस चलेगा, ठीक है। क्रॉस बिल्कुल मेंडल की तरीके से करना है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो वो नहीं आएंगे जो मेंडल को आए, क्योंकि उत्पाद स्तर पर अंतःक्रिया है। तो यहाँ पर 3:1 नहीं मिलेगा, और वो अंतःक्रियाओं के हिसाब से बदलता रहेगा। यहाँ पर 9:3:3:1 नहीं आएगा, ठीक है, वो भी बदलेगा। आप देखेंगे, हम उदाहरण पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो जितनी भी जीन अंतःक्रियाएं हैं उनमें जीनोटिपिक रेशियो वही रहता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो बदलता है। और ये ध्यान रखना है कि जीनोटिपिक रेशियो चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि अंतःक्रियाएं जीन नहीं, जीन के उत्पाद द्वारा की जाती है, अतः जीन तो अपनी जगह जैसे हैं, तो जीनोटाइप तो वैसा का वैसे ही रहेगा। उत्पाद के स्तर पर अंतःक्रिया होने की वजह से जो भी है वो प्रभाव फिनोटिपिक रेशियो पर पड़ेगा। तो एक जनरल निष्कर्ष पहले ध्यान रखें, हम पहले अब एलीलिक अंतःक्रियाएं लेंगे। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में एलीलिक अंतःक्रियाएं फिर भी लिख रखी है 4-5, लेकिन नॉन एलीलिक अंतःक्रियाओं पर एनसीईआरटी ने सीधे तौर पर कुछ लिखा नहीं है। हालांकि नॉन एलीलिक अंतःक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे नहीं है, इसलिए हम 2-3 अंतःक्रियाएं पढ़ेंगे नॉन एलीलिक में, जो बहुत ज़रूरी है, जो पूछी जाती है। लेकिन पहले हम एलीलिक की बात करेंगे, उसके बाद नॉन एलीलिक की। और जो मैंने एक निष्कर्ष बताया कि इन अंतःक्रियाओं में हमें मेंडल से क्या भिन्नता मिलेगी, क्रॉस मेंडल जैसे होंगे, जीनोटिपिक रेशियो मेंडल जैसा होगा, फिनोटिपिक रेशियो बदल जाएगा, क्योंकि अंतःक्रियाएं उत्पाद पे हो रही। इसलिए एक निष्कर्ष ध्यान रखना है कि अधिकतर जीन अंतःक्रियाएं प्रोटीन उत्पाद स्तर पर होती हैं, अतः इससे केवल लक्षण का फिनोटाइप प्रभावित होता है और जीनोटाइप अप्रभावित रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अतः जीन अंतःक्रियाओं में क्रॉस के परिणामों में केवल फिनोटिपिक रेशियो बदलता है और जीनोटिपिक रेशियो समान रहता है। ये जो काम का निष्कर्ष है, ये अपने को हमेशा ध्यान होना चाहिए।
कोई भी अंतःक्रिया की बात करे और बाद में केवल वो जीनोटिपिक रेशियो पूछे, तो जीनोटिपिक रेशियो तो वही रहेगा जो मेंडल के केस में था। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम एलीलिक अंतःक्रियाएं शुरू करते हैं सबसे पहले, और हम चार पांच तरह की एलीलिक अंतःक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली एलीलिक इंटरेक्शन रहेगी अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता के नियम का, प्रभाविता के निष्कर्ष का एक पहला अपवाद था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल के प्रभाविता के सिद्धांत का पहला अपवाद। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, प्रभाविता पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ठीक है, मेंडल ने प्रभाविता को समझाया था कि जब दो विपर्यासी कारकों वाले लक्षणों का क्रॉस करके F1 पीढ़ी बनाई गई, तो देखा गया कि F1 के अंदर विपर्यासी कारकों में से कोई एक ही का लक्षण आया, लंबे और बोने में से सिर्फ लंबा ही आया, और जो इस विषम युग्मी F1 में दिखाई दिया वो लक्षण का प्रभावी स्वरूप माना गया, यही कहा गया। और देखिए, लक्षण का कौन सा स्वरूप प्रभावी कौन सा अप्रभावी है, ये विषम युग्मी अवस्था पे आके पता चलता है, क्योंकि वहां दोनों अलील उपस्थित है और फिर कौन सा लक्षण आ रहा है, मतलब वो प्रभावी है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण का प्रभावी अलील, ध्यान से सुनिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण का प्रभावी अलील अप्रभावी अलील पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, वो अपूर्ण प्रभावी है, पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जब विषम युग्मी अवस्था बनती है, तो आमतौर पर एक सामान्य प्रभाविता में विषम युग्मी अवस्था में क्या होगा, जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखेगा, बट क्योंकि यहाँ प्रभावी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, तो विषम युग्मी अवस्था में जीव में लक्षण का एक मध्यम स्वरूप बनता है, न तो पूरी तरह से प्रभावी जैसा, न अप्रभावी जैसा, प्रभावी अप्रभावी के बीच का बनता है, मध्यम स्वरूप बनता है। ठीक है, और इसलिए मेंडल, सॉरी, यहाँ देखा गया कि यहाँ F1 मेंडल ने कहा था कि F1 पीढ़ी किसी एक पेरेंट के समान होती है और वही प्रभावी कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ कहेंगे कि F1 पीढ़ी किसी भी पेरेंट के समान नहीं है, दोनों के बीच की है। ठीक है, और ऐसा लगता है देखने में जैसे लक्षण मिक्स हो गया हो, मध्य का स्वरूप आ गया, और इसी के उदाहरण किसी जमाने में मिश्रित वंशानुगति में बता दिए जाते थे। ठीक है, कि लाल और सफेद से गुलाबी पुष्प हो गया, तो एक्चुअली अपूर्ण प्रभाविता है ये, कि जहाँ प्रभावी अलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। अपूर्ण प्रभाविता को अगर हम परिभाषित करें तो इसमें लक्षण का प्रभावी अलील अप्रभावी अलील पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। ठीक है, अतः विषम युग्म अवस्था में लक्षण का मध्यम स्वरूप दिखाई देता है, बीच का स्वरूप दिखाई देता है, अर्थात F1 पीढ़ी की संतति दोनों पैतृकों के मध्य की दिखाई देगी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खास बात यही है कि विषम युग्मी अवस्था में बीच का स्वरूप आएगा, देखने में ऐसा लगेगा जैसे लक्षण मिक्स हो गया, हालांकि मिश्रण नहीं था, वो आगे उन्होंने क्रॉस में बताया भी सही। तो अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम का ही एक अपवाद था। अब देखिए, इसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला। अपूर्ण प्रभाविता की खोज मेंडल के ही एक रीडिस्कवरर जो थे उन्हीं के द्वारा हुई, कोरेंस, युगोडिवरीज और एरिक वॉन शेमोग, इन तीनों ने तो मेंडल का काम खोजा था। कोरेंस ने मिराबिलीज और मक्का के पौधे पर काम किया, और कोरेंस ने मेंडल के कार्यों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया, ये नियम वगैरह जो कुछ भी है सब कोरेंस के बनाए हुए हैं। और मेंडल, कोरेंस ने जब मिराबिलीज पर काम किया और मेंडल के तरीके से कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, तो वहां उन्हें प्रभाविता का अपवाद मिला, और इसीलिए बाद में उन्होंने प्रभाविता को नियम मानने से इनकार कर दिया गया, जो आज तक ही विवाद चलता रहता है, बताया गया था आपको। ठीक है, तो यहाँ ये खोज कोरेंस द्वारा हुई मिराबिलिस जलापा पौधे में। मिराबिलिस जलापा गार्डन में लगाया जाने वाला एक सिंपल सा पौधा है और बड़े आकर्षक लाल कलर के पुष्प आते हैं। तो इसके पुष्प रंग का लक्षण जब अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि पुष्प जो है लाल और सफेद तो होते हैं, लेकिन उन्हें मध्य के गुलाबी पुष्प भी दिखाई दिए, लाल और सफेद के बीच के गुलाबी भी दिखाई दिए। और ये कैसे हुआ, उन्होंने पुष्प रंग के इस लक्षण का बिल्कुल मेंडल की तरह मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, जैसे एक शुद्ध लाल रंग के पौधे का क्रॉस सफेद रंग के पौधे से किया गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो F1 पीढ़ी में ये विषम युग्मी अवस्था बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने उम्मीद की थी कि भाई लाल और सफेद में लाल आना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्हें न लाल मिला न सफेद, यहाँ मिला गुलाबी, तो ये पिंक आया मध्य का स्वरूप। F1 पीढ़ी में पिंक आने से कोरेंस को भी लगा जैसे ये तो मिश्रण हो गया, और मेंडल से पहले जो मिश्रित वंशानुगति चलती थी उन्हें भी लगा ये तो मिश्रण हो रहा, कहीं मिक्सिंग तो नहीं है। हालांकि उन्होंने इस क्रॉस को फिर आगे पूरा किया, मेंडल का ही जो आगे का भाग था, अब उन्होंने इस F1 पीढ़ी का जैसे मेंडल के क्रॉस में होता है स्वपरागण कराया। जब स्वपरागण कराया गया, वही नर युग्मक मादा युग्मक बने, दो गेमिट, दो प्रकार के नर युग्मक, दो प्रकार के मादा युग्मक। F2 पीढ़ी में चार संगठन आए,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। एफ टू पीढ़ी में उन्होंने देखा कि उन्हें तीन प्रकार की संतियां मिली, कैपिटल आर लाल मिले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी हैं और स्मॉल आर सफेद हैं। और चार संभावनाओं में एक लाल दो पिंक और एक व्हाइट यानी 1:2:1 का रेशियो आया। तो जो लक्षण प्रारूप अनुपात मेंडल को अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 मिला वो यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला 1:1। जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है। आप देखिए जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदला, मेंडल के केस में 1:1 था, यहाँ भी 1:1 है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 आता था वो क्या रह गया 1:1। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों समान है, 1:2:1। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए कौन सा रेशियो बदला, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 से क्या हो गया 1:1। आपको याद हो तो हमने मेंडल के निष्कर्षों में भी कहा था कि एफ टू पीढ़ी का 3:1 रेशियो लाने में प्रभाविता का भी योगदान है। और आज देखो जब इस क्रॉस में प्रभाविता नहीं हो रही है तो रेशियो 3:1 नहीं आके 1:1 आ गया। पृथक्करण यहाँ भी हो रहा है, पृथक्करण तो मेंडल के क्रॉस में भी था, यहाँ भी देखो दो दो गैमेट बने सब पृथक हो गए। पृथक्करण है लेकिन प्रभाविता नहीं है, इसलिए रेशियो 3:1 ना आके 1:1 आया। समझ में आई बात? तो यह जब वो एफ टू पीढ़ी में जब उन्होंने परिणाम देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये मिश्रण नहीं है। अगर ये मिश्रण होता और लाल और सफेद से गुलाबी मिक्स होके बना तो फिर एफ टू में तो वापस लाल और सफेद तो आना ही नहीं चाहिए, गुलाबी से फिर और आगे मिश्रण होकर कुछ और रंग बनता। ठीक है, अगर एफ टू में लाल भी आ रहा है, सफेद भी आ रहा है, गुलाबी भी आ रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर मिश्रण नहीं है, यहाँ कुछ और चीज है और यहाँ प्रभाविता पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। ठीक है, लाल रंग का अलील सफेद रंग के अलील पर पूर्ण प्रभावी नहीं होने की वजह से गुलाबी सा बीज का स्वरूप आ गया। तो ये पहला उदाहरण था अपूर्ण प्रभाविता का, अपने को ये ध्यान रखना। ठीक है, और रेशो क्या आया और क्या बदलाव आया वो ध्यान रखना। फिर कुछ और उदाहरण भी आए हैं वो भी ध्यान रखने, दो तीन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो पूछे गए वो ध्यान रख सकते हैं। जैसे स्नैप ड्रैगन, जैसे मिराबिलिस पौधा था वैसे एक स्नैप ड्रैगन पौधा होता है, इसे कुत्ता पुष्प पादप या डॉग फ्लावर प्लांट भी कहते हैं सामान्य नाम। इसका वनस्पतिक नाम होता है एंटीराइनम मेजस। इस पर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है और इस पर भी आ चुका है। और दोनों पौधों में एक समान लक्षण है, इसमें भी पुष्प रंग इसमें भी पुष्प रंग, वही लाल गुलाबी सफेद लाल गुलाबी सफेद सेम। तो दोनों ही पौधों में पुष्प रंग की वंशानुगति में अपूर्ण प्रभाविता मिलती है और लाल और सफेद से गुलाबी हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें लाल पौधे वाले का सफेद पौधे वाले से क्रॉस किया जा रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि आपको हर किसी क्वेश्चन में उसको गुलाबी कर देना है। आप ये ध्यान दे दें कि लाल और सफेद का क्रॉस कर रहे हैं तो पौधे का नाम क्या लिखा है। अगर पौधा मिराबिलिस है या स्नैप ड्रैगन है तो ही लाल और सफेद से गुलाबी करें। किसी पौधे का नाम नहीं दिया है, सीधा ही कहा है लाल और सफेद का क्रॉस किया है तो लाल और सफेद से लाल ही रखें, मतलब मेंडल को ही फॉलो करें। ये अपवाद और ये अंतःक्रियाएं सब तब आएंगी जब उसमें जीव का नाम लिखा हो, क्योंकि ये सामान्यतः सब में नहीं मिलती। तो जो एग्जाम्पल है बस उसको वहीं तक ही रखना है, हर जगह अप्लाई नहीं करना। तो ये दो एग्जाम्पल थे जहां पुष्प रंग में हमें मिश्रित लक्षण दिखाई दिया। और भी हैं, जैसे अगर हम एक दो एग्जाम्पल और देखें तो जैसे एक एग्जाम्पल है एंडलुसियन मुर्गों का। एंडलुसियन फाउल एक प्रकार के मुर्गों की प्रजाति है और एंडलुसियन फाउल में उनका जो फर उनके जो पंख और जो फर का कलर है उसमें भी हमें ऐसा ही मिश्रण दिखा। उसमें ब्लैक कलर के फर और सफेद कलर के फर वालों का जब क्रॉस करते हैं तो ग्रेइश ब्लू कलर आ जाता है, ग्रे कलर आ जाता है, नीला सा ग्रे कलर जो कबूतर में होता है। ठीक है, तो ब्लैक और व्हाइट से ग्रे हो गया, मध्य का स्वरूप आ गया, ये भी अपूर्ण प्रभावित था एंडलुसियन मुर्गों का फर का रंग। उदाहरण ध्यान रख रहे दो तीन बस। ठीक है, सीधा क्रॉस आता है, रेशो पूछा जाता है, उदाहरण पूछे जाते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण और है, उस पर भी हम बात करेंगे, मटर के पौधे का। ये वही पाइजम से टाइप में जिस पर मेंडल ने काम किया था। और आप देखिए मेंडल के उन सात लक्षणों में से एक लक्षण मैं वापस उठा रहा हूँ और उस लक्षण को मैंने बहुत डिटेल से मैकेनिज्म पढ़ाया है, बीज की आकृति जो गोल और झुर्रीदार कैसे बने थे, याद है गोल बीज गोल कैसे बने थे, तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बताया गया था। और वहीं मैंने आपको बताया था कि जो जीन बीज का लक्षण बनाता है वो दो लक्षण बनाता है और इसलिए वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। मटर में एक प्लियोट्रॉपिक जीन है जो दो लक्षण बनाता है, बीज की आकृति और स्टार्च कणों का आकार, याद आया। ये मैं मेंडल के पार्ट में बता चुका हूँ
कि बीज की आकृति बनती है, जो प्रभावी एलील है वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है, अप्रभावी नहीं बनाता है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम से स्टार्च का संश्लेषण काफी अच्छा होता है, स्टार्च की मात्रा काफी रहती है, ठीक है। और स्टार्च ज्यादा होता है तो एक तरफ स्टार्च के कण भी बड़े बड़े बनते हैं, और स्टार्च ज्यादा होने से परासरणी दाब समान रहता है तो बीज भी गोल बनता है, याद आया। और जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है तो स्टार्च कम बनेगा, तो कम स्टार्च होने से कण भी छोटे छोटे बनेंगे और परासरणी दाब भी बदलता रहेगा, जिससे जो गोल सॉरी झुर्रीदार बीज बने। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए मेंडल का अगर मैं क्रॉस देखूं तो उन्होंने गोल और झुर्रीदार का क्रॉस किया और F1 पीढ़ी में सभी गोल प्राप्त हुए, ये तो मेंडल का क्रॉस है। और मेंडल को अपने कार्य में कहीं भी अपूर्ण प्रभाविता नहीं मिली, उन्होंने ये स्टार्च कणों का आकार ये लक्षण तो उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया, उन्होंने तो केवल बीज की आकृति ली। तो हमें बाद में मालूम चला है कि यही लक्षण है, यही जीन एक लक्षण और बनाता है स्टार्च कणों का आकार। मेंडल का तो केवल यही एक लक्षण था जो मेंडल ने अध्ययन किया, तो मेंडल को अपने लक्षण में कहीं अपूर्ण प्रभाविता नहीं मिली। गोल बीज राउंड और रिंकल्ड से राउंड आ गया, कहीं कोई अपूर्ण प्रभाविता नहीं है। लेकिन जब हमने बीज स्टार्च कणों के आकार पर भी ध्यान दिया इसी के साथ साथ, तो जब कैपिटल आर होता है तो बड़े आकार के स्टार्च कण बनते हैं, स्मॉल आर होने पर छोटे आकार के बनते हैं, अभी बताया भी था मैंने। तो आश्चर्य तो तब हुआ जब कैपिटल आर स्मॉल आर, जहां बीज गोल बन रहे हैं, और बीज गोल बन रहे मतलब परासरणी दाब नियत रहा होगा तभी तो गोल बने होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पर इन स्टार्च कणों का आकार देखा तो स्टार्च कणों का आकार यहाँ पर मध्यम दिखाई दिया, न तो इतने बड़े और न ही बहुत छोटे, मध्यम आकार के स्टार्च कण, मध्यम आकार के स्टार्च कण दिखाई दिए। कणों का आकार जो है इससे तो छोटा और इससे बड़ा बीज का था, और मध्यम आकार के स्टार्च कण में भी इतना स्टार्च पर्याप्त था कि परासरणी दाब नियत रहा और बीज गोल बन गया। तो गोल और झुर्रीदार से तो गोल आने में तो सामान्य प्रभाविता है, पूर्ण प्रभाविता। लेकिन अगर मैं दूसरे लक्षण पर गौर करूं, बड़े आकार के कण, छोटे आकार के कण और मध्यम आकार के कण, तो इस लक्षण के अंदर हमें क्या मिल रही है, अपूर्ण प्रभाविता। समझ में आई कुछ बात? अब देखो ये उदाहरण में खास बात क्या है, अभी तक जैसे हम जो बाकी के उदाहरण पढ़ रहे हैं तो दोनों चीजें साथ नहीं। यहां पर देखिए एक ही जीन है, लक्षण दो है, एक जीन है जिसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हैं, वो दो लक्षण बना रहा है, और इस जीन द्वारा बनाए गए दो लक्षणों में से अपने एक लक्षण में तो वो पूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा, बीज की आकृति, और अब उसी के द्वारा बनाए गए दूसरे लक्षण में अपूर्ण प्रभाविता हो रही है स्टार्च कणों के आकार में। तो ये स्थिति तो हमारे सामने पहले कभी नहीं आई कि एक ही जीन से दो लक्षण बने और दोनों में भी उसकी प्रवृत्ति अलग अलग हो, एक में पूर्ण प्रभाविता दर्शा और एक में अपूर्ण प्रभाविता दर्शा है। जितने प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब है जो जीन एक से ज्यादा लक्षण बनाते हैं, इसके बारे में भी और आगे पढ़ेंगे। तो अक्सर ये देखा गया कि प्लियोट्रॉपिक जीन में जीन के अलग अलग लक्षणों में वंशानुगति अलग अलग हो सकती है। अब यहां बात यह आती है कि ऐसे केस में जीन आर को हम बोले क्या, जैसे हमने कहा था Capital T Small T, कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी। अभी हमने लाल और गुलाबी की बात करी तो कैपिटल आर और स्मॉल आर था, कैपिटल आर को हम प्रभावी एलील नहीं कह रहे, अपूर्ण प्रभावी एलील बोलेंगे, क्योंकि वो अपूर्ण रूप से प्रभावी गुलाबी आ जाता है, और स्मॉल आर अप्रभावी, ठीक है। तो जहां प्रभावी वो पूरा प्रभावी, जो अपूर्ण प्रभावी अपूर्ण प्रभावी, लेकिन ये स्थिति तो अलग हो गई, यहां पर जीन तो एक ही है ना आर। अब इस आर जीन को हम पूर्ण रूप से प्रभावी बोले या अपूर्ण रूप से प्रभावी बोले, क्या कहा जाए, ये एक दुविधा आएगी जब एक ही जीन एक से अधिक कार्य, एक से अधिक लक्षण बनाएगा। अब जीन आर गोल बीज भी बना रहा है और जीन आर से बड़े आकार के स्टार्च कण भी बन रहे हैं, ठीक है। गोल बीज के मामले में पूर्ण प्रभाविता और स्टार्च कणों के मामले में अपूर्ण प्रभाविता है, तो प्रश्न यह है कि इस जीन आर को बोला क्या जाए, पूर्ण रूप से प्रभावी एलील बोले या अपूर्ण रूप से प्रभावी एलील बोले, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। तो फिर इसका एक रास्ता दिया गया और इसका एक पैराग्राफ NCERT ने भी लिखा है, मैं आपको वो भी पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में जब एक जीन एक से ज्यादा काम करे, तो ऐसे में जीन को आप हमेशा के लिए प्रभावी अप्रभावी ना बोले। जैसे हमने पहले कह दिया कैपिटल टी प्रभावी, मतलब वो जब भी आएगा प्रभावी का ही काम करे, या कैपिटल आर अपूर्ण प्रभावी, तो अपूर्ण प्रभावी है। यहां अब हम प्रभाविता ऐसे तय नहीं करेंगे, अभी तक तो प्रभाविता कैसे तय होती, प्रभावी कौन होता है, जो जीन या जीन का जो अलील क्रियात्मक हो, प्रोटीन बनाए, कार्य करे, वो प्रभावी, और जो काम नहीं कर पाए वो अप्रभावी, यही बताया था।
तो प्रभाविता केवल इसी चीज से तय हो जाती थी कि जीन कार्य कर रहा है, उत्पाद बना रहा है कि नहीं बना रहा। लेकिन अब यहां कहा जाता है कि प्रभाविता जीन या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है, यानी कि प्रभाविता केवल उत्पाद बनने से ही तय नहीं हो जाएगी, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र रूप से केवल उत्पाद से तय नहीं हो जाएगी। अब यहां हमें एक तरीका दिया गया है कि आप ये तो देख लो कि कौन सा अलील उत्पाद बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, क्योंकि जो उत्पाद बना रहा है वो प्रभावी, जो नहीं बना रहा है वो अप्रभावी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि आप कौन सा लक्षण अध्ययन कर रहे हो। जैसे मैं पूछूं कि कैपिटल आर को मैं क्या बोलूं, प्रभावी बोलूं अपूर्ण प्रभावी बोलूं, तो तुरंत प्रश्न आएगा पहले तो आप बताओ कि कौन से लक्षण की बात कर रहे हो। फिर हम कहेंगे कि अगर हम बीज की आकृति की बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसे यहाँ पर तो ये जीन प्रभावी है, और हम कहेंगे नहीं हम तो स्टार्च कणों के आकार की बात कर रहे हैं तो नहीं यहाँ पर तो ये जीन अप्रभावी है, सॉरी अपूर्ण प्रभावी है। तो हमें यहाँ पर लक्षण भी बताना पड़ेगा, मतलब जीन को हम क्या बोले प्रभावी या पूर्ण प्रभावी, इसके लिए केवल उत्पाद बनने से काम नहीं चल रहा, साथ में हमारे द्वारा अध्ययन में कौन सा लक्षण लिया गया हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि प्रभाविता ऐसी स्थितियों में जहाँ एक जीन से कई लक्षण बनते हों प्लियोट्रॉपी, ऐसे में प्रभाविता केवल उत्पाद से तय नहीं होती, प्रभाविता केवल उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है, और प्रभाविता अब दो बातों से तय होगी, जीन का उत्पाद एवं हमारे द्वारा अध्ययन में लिए गए लक्षण। हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम इस लक्षण की बात कर रहे हैं, तब फिर हम माँ बताएंगे कि ये जीन क्या कहा जाएगा। बस केवल इतनी सी बात है, केवल उत्पाद बनने नहीं बनने से प्रभाविता को नहीं मान लिया जाएगा, लक्षण भी मेंशन करना पड़ेगा। ये निष्कर्ष एनसीईआरटी ने भी एक पैराग्राफ में लिखा है, थोड़ा हमने भी यहाँ पर लिखा है, इसको समझ लें। प्लियोट्रॉपिक जीन के मामले में ऐसा संभव है कि उसके अलग अलग लक्षणों में अलग अलग वंशानुगति दिखाई दे, समझ में आ रही बात, अलग अलग लक्षणों में अलग अलग वंशानुगति, अर्थात जैसे एक लक्षण प्रभाविता व दूसरा लक्षण अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करे, जैसे अभी जो पिछला एग्जाम्पल था। तो प्लियोट्रॉपिक लक्षण ऐसा हो सकता है, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ऐसे में जीन को प्रभावी अपूर्ण प्रभावी अप्रभावी कहना दो चीजों पर निर्भर करता है। अब दो चीजों से तय करेंगे कि जीन को क्या बोले, ठीक है। एक तो जीन द्वारा बनाया गया प्रोटीन उत्पाद, कि जीन क्या उत्पाद बना रहा, दूसरा हमारे द्वारा अध्ययन में लिया गया लक्षण, कि हम कौन से लक्षण पर अध्ययन कर रहे हैं। लक्षण और उत्पाद दोनों चीजों से तय होगा कि जीन को क्या बोला जाए, अर्थात या लिखिए ऐसे में प्रभाविता जीन या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है, और यह अध्ययन में लिए गए लक्षण पर भी निर्भर करेगी। केवल उत्पाद का ही स्वायत्त लक्षण नहीं है, अध्ययन में लिया गया लक्षण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये केवल आपको तब करना है जब हमारा जीन प्लियोट्रॉपिक हो और एक जीन से कई लक्षण बन रहे हों, समझ में आई बात। एनसीईआरटी में हमें यही चीज दो पैराग्राफ में दे रखी है, उसकी भाषा भी समझ में आनी चाहिए, और हिंदी के एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन भी है जो कई सालों से हुआ नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी में भी वो जगह बता देता हूँ जिस जगह पर हमें ये चीज मिलेगी, पेज नंबर 86, मैंने सिर्फ वही चीज दिखा रखी है, ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, पेज नंबर 86, ठीक है। और इस 86 पेज में अगर आप देखें तो ये जो दो पैराग्राफ मैंने निशान लगा रखा है, ये एक और ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। 86 पेज पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो देखिए ये पूरा पेज था वास्तव में ये है। अब मैंने बाकी चीजें तो अपन बाद में पढ़ेंगे, केवल ये 86 पेज का ये जो तीसरा वाला पैराग्राफ इस टेबल के बाद में जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ हमें ध्यान देना है। मैं अगर इसको और बड़ा करूँ तो थोड़ा आपको पढ़ने में भी आ जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक बड़ा पैराग्राफ और एक छोटा पैराग्राफ है, बड़े पैराग्राफ में तो लक्षण के बारे में कहा है जो हमने उदाहरण बताया था वही, और यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है, मतलब एक जीन एक से ज्यादा लक्षण बना सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण, मंड मतलब स्टार्च का नियंत्रण एक जीन करता है, स्टार्च संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके दो अलील हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, हमने आर लिया था यहाँ बी ले रखा है। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी संयुग्मजों से होता है, अगर कैपिटल बी तो बहुत अच्छे से स्टार्च की मात्रा बनेगी, कुशल रूप से संश्लेषण मतलब अच्छे से बनेगी, और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते तो बड़े बड़े कण बनेंगे, ठीक है। इसके विपरीत स्मॉल बी संयुग्मजी, जो स्मॉल बी हैं वो मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों का उत्पादन कर सकते हैं, तो यहाँ छोटे आकार के कण बनेंगे, वहां बड़े बनेंगे, ठीक है। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल और स्मॉल बी झुर्रीदार होंगे। अब ये दूसरा लक्षण है कि कैपिटल बी जब पूरा बीज बन जाएगा तो वो गोल बनेगा और ये झुर्रीदार बनेगा, ठीक है।
विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं। अब जो विषम युग्मी है कैपिटल बी स्मॉल बी, वो भी गोल बीज ही पैदा करते हैं, इसलिए लगता है कि कैपिटल बी प्रभावी एलील है। जब वो भी गोल बीज आ रहा है तो गोल बीज और जोड़ीदार के हिसाब से तो फिर गोल प्रभावी हुआ। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मझोले आकार के यानी कि मध्य के आकार के होते हैं। अतः यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाएगा। समझ गए? मतलब बीज की आकृति माने, बीज का आकृति माने तो पूर्ण प्रभाविता है, लेकिन अगर मंड कण का आकार को भी लक्षण मान रहा है फेनोटाइप दूसरा लक्षण, तो उसमें यह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। अब देखो निष्कर्ष दिया है, अतः प्रभाविता न तो किसी जीन या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है, मतलब प्रभाविता केवल जीन या उसके उत्पाद का ही स्वायत्त लक्षण नहीं है। आगे क्या लिखा है? उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है जिसकी सूचना जीन में नहीं थे। उत्पाद कौन सा? वो प्रोटीन उत्पाद जिसकी सूचना जीन में लिखी उसकी बात हुई, तो केवल उसी का स्वायत्त लक्षण नहीं है। यह कौन? प्रभाविता उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है। अब यहाँ गलती मैंने गोला लगा रखा है, जीनोटाइप में उत्पाद से क्या बनता है? फिनोटाइप। तो ये कहना चाह रहे कि प्रभाविता उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित फिनोटाइप पर होती है जितनी कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष फिनोटाइप पर। कि हम कौन सा लक्षण अध्ययन कर रहे हैं, हमारे द्वारा चुने गए लक्षण, तो वहां भी जीनोटाइप लिखा है वो भी फिनोटाइप होगा। हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में फिनोटाइप ही। ठीक है, तो ये दोनों जगह जीनोटाइप की जगह फिनोटाइप आएगा। और लास्ट में लिखा उस मामले में जब एक जीन से एक से अधिक जीनोटाइप, अब फिर जीनोटाइप लिखा। ये चीज आपको कब माननी है? ये तब माननी है जब एक जीन से एक से अधिक लक्षण बने, लक्षण मतलब फिनोटाइप। तो ये उस मामले में जब एक जीन से एकाधिक फिनोटाइप प्रभावित होते हैं, तब हमें इसको कंसिडर करना है कि केवल हम उत्पाद नहीं उत्पाद के साथ लक्षण का भी ध्यान रखें और ये तीनों जगह जीनोटाइप की जगह फिनोटाइप कर लें। तो जो मैंने आपको चीज समझाई वो एनसीईआरटी ने इस तरह से इन दो पैराग्राफ में समझा रखी, तो एनसीईआरटी की भी बातें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभाविता के मामले में ये एक विशेष बात है कि जब जीन प्लियोट्रॉपी हो तो प्लियोट्रॉपिक जीन में, क्योंकि लक्षण कई सारे बनते हैं, तो उस जीन को ऐसे ही हम प्रभावी या प्रभावी नहीं बोल देंगे। अलग अलग लक्षण में अलग अलग नाम देना पड़ेगा, किसी लक्षण में वो प्रभावी हो सकता है, किसी में अपूर्ण प्रभावी भी हो सकता है, तो लक्षण के आधार पर भी बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हमने डोमिनेंस के इनकम्प्लीट डोमिनेंस के विभिन्न प्रकार के उदाहरण समझे, और एक ये जो अंतिम उदाहरण था प्लियोट्रॉपिक वाला, उसको और अच्छे से ध्यान रखना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुल मिलाकर ये स्थिति है जहां पर कि विषम युग्मिस्था में मध्य का स्वरूप आ जाता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो 3:1 से बदलकर 1:1 हो जाता है। कुछ उदाहरण बताएं वो ध्यान रखने, और प्लियोट्रॉपिक मामले में फिर क्या करना, ये एक स्पेशल केस है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, तो हम एक क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कई बार हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और इन सबको मिलाकर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़िए इसको और अपने कॉपी में भी लिखेंगे। मिराबिलिस पौधे में लंबापन बोनेपन पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। लंबा और बोना, तो मिराबिलिस में तो पुष्प रंग, देखिए लाल पुष्प सफेद पुष्प पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है, तो पुष्प रंग में अपूर्ण प्रभाविता है, तो मिराबिलिस में भी तो कई लक्षण है। तो मिराबिलिस पौधे में लंबाई का जो लक्षण है उसमें तो पूर्ण प्रभाविता है और पुष्प रंग में अपूर्ण प्रभाविता है, दो लक्षण हो गए। दो लक्षण मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस, समझ गए? ठीक है, अपूर्ण से प्रभावी यदि एक, अब देखो क्रॉस दे रहा है, शुद्ध लंबे व लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस बोने व सफेद पुष्प वाले से किया जाता है, तो F2PD में आपको बताना है फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, और F1PD जैसे लक्षण प्रारूप वाली संततियों की प्रायिकता क्या होगी। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली हैं ताकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो इसको करना कैसे है, इसको लेकर के स्टूडेंट अपने अपने तरीके शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए, ये पहले समझने की कोशिश करिए, ये दो लक्षण दिए गए मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस देखा और लंबे लाल जो भी है लिखना शुरू कर दिया, क्रॉस करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसमें क्रॉस के आधार पर बात करूं तो देखिए क्या क्या हुआ, शुद्ध लंबे और लाल, तो एक नर ले लीजिए एक मादा ले लीजिए, तो एक में हमने कहा है कि शुद्ध लंबे और लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस बोने
वह सफेद पुष्प वाले पौधे से किया गया। मतलब मैं अगर इसको लिखूं लंबे और लाल, तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर क्रॉस, तो ऐसे ही होगा ना। तो अब क्या होता, कई बार तो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ा और ऐसे क्रॉस करना शुरू कर देते, तो आप इसमें एफ वन पीढ़ी बनाओगे, फिर उसे एफ वन पीढ़ी का स्वपरागण करके एफ टू बनाओगे। क्योंकि देखिए आपको जो प्रश्न पूछा है कि हमें सारी चीजें कहाँ निकालनी है, एफ टू पीढ़ी में ये जो चीजें पूछी ये सब किस पीढ़ी की पूछी, एफ टू, तो एफ टू तक जाना पड़ेगा। तो पहले एफ वन बनेगा फिर एफ टू, तो वो तो वही एफ टू, एफ वन के स्वपरागण में वो चार चार गैमेट बनेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस है, 16 का चेकरबोर्ड बनेगा, फिर करोगे। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना बड़ा चेकरबोर्ड बनाकर अगर आप करने लगे तो आपका तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए अगर आप अब थोड़ा दिमाग लगाएं, मैंने आपको सारे शॉर्टकट तरीके बता रखे हैं और जितनी चीजें हैं अब उनको आप इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इतना समय लगा दोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसको आप शॉर्टकट से करिए, शॉर्टकट विधि भी बताई गई, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम ये क्रॉस करके करें, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, मेंडल का ही तरीका इस्तेमाल में लाइए। मेंडल ने देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो एक बार को तो बिना क्रॉस के बता दिया था कि 9-3-3-1 आएगा। क्या अनुमान लगाया था उन्होंने कि अगर दोनों जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रहे हैं तो एक डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का गुणा है कि नहीं है। हम भी वही काम में ले, हमें थोड़ी ना कहा, हमें भी कुछ नहीं कहा, मतलब हम भी अपव्यूहन मान सकते हैं। तो हम बजाय कि इतने बड़े क्रॉस करने के हम क्या करें, एक डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का गुणा है, तो एक मोनोहाइब्रिड 3:1 और दूसरा मोनोहाइब्रिड 3:2 लक्षण है। एक लक्षण कौन सा है, लंबा और बोना टॉल द्वार, और दूसरा कौन सा है, ये सॉरी दूसरा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब अपन यहाँ 3:1 नहीं लेंगे क्योंकि 3:1 तो तब लेते जब सामान्य बात होती। क्या कहा है, पहला लक्षण में सामान्य प्रभाविता है, सामान्य प्रभाविता, दूसरा लक्षण लाल सफेद वाले में तो अपूर्ण प्रभाविता। तो जहां मेंडल के केस में 3:1 का गुणा होता था, अब यहां हमें बदलना क्या पड़ेगा, पहला लक्षण तो 3:1 लेकिन दूसरे लक्षण में रेशियो क्या आएगा, रेड पिंक और व्हाइट 1:1। बस आपको बदलना यह है कि लाल और सफेद के केस में 3:1 नहीं आता, दोनों लक्षणों का अलग अलग रेशियो लिख के गुणा कर लो। तो लंबे और बोने में पूर्ण प्रभाविता है, रेशियो 3:1 आएगा, लाल और सफेद में अपूर्ण प्रभाविता है, रेशियो 1:1 आएगा। अब इनका गुणा कर लो, जैसे मेंडल ने 3:1 गुणा करके 9-3-3-1 निकाल लिया, अब हमारा ये क्रॉस 9-3-3-1 का रेशियो नहीं देगा, ठीक है। जब आप इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3:6:3:1:2:1 ये आ गया, 3:6:3:1:2:1 ये आपका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि एफ टू पीढ़ी में फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:6:3:1:2:1 ये बनेगा, 9-3-3-1 नहीं आएगा, बिना क्रॉस किए एक स्टेप में गुणा करके निकाल दिया। जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, तो जीनोटिपिक रेशियो मैंने आपको क्या कहा था, अंतःक्रियाओं में जीनोटिपिक रेशियो तो बदलता ही नहीं है, तो जीनोटिपिक रेशियो तो वैसे भी कुछ नहीं रहेगा। अगर मैं इसका निकालना चाहूं जीनोटिपिक रेशियो, तो एक लक्षण का 1:1, दूसरे का भी 1:1, अब चाहे पूर्ण प्रभाविता हो या अपूर्ण प्रभाविता हो, जीनोटिपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। तो इनको गुणा कर लो, तो इनको तो गुणा करने पर वही आएगा 1:1, 2:4:2, 1:1, जो एक डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आता वही आएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, जीनोटिपिक रेशियो वैसे भी नहीं बदलते अंतःक्रियाओं में, फिनोटिपिक रेशियो 9-3-3-1 की बजाय 3:6:3:1:2:1 आ जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज, ये एक और क्वेश्चन, F1 जैसे लक्षण प्रारूप वाली संततियां, तो F1 में क्या आएगा, जैसे मैंने ये क्रॉस लिखा था तो F1 क्या बनता है इसमें, इनका अगर हम क्रॉस करते तो F1 पीढ़ी में क्या आता, लंबे और बोने से तो लंबे पौधे आते, ठीक है, और लाल और सफेद से क्या आ जाते, गुलाबी। तो यहाँ पर लंबे व गुलाबी पौधे आते और विषम युग्मी अवस्था आ जाती है इस तरह से TTRR। तो इसका मतलब F1 पीढ़ी में लंबे और गुलाबी संततियां आएंगी, हमें उनकी प्रायिकता चाहिए F1 पीढ़ी में। तो लंबे और बोने से तो लंबे आएंगे, लंबे व गुलाबी पुष्प वाली संतति, तो इसकी प्रायिकता चाहिए हमें। अब इसके लिए क्या करें, अगर हमें पूरे क्रॉस में केवल इस एक लंबे गुलाबी की प्रायिकता पूछी है तो भी निकाल सकते हैं, क्रॉस करने की जरूरत नहीं कि हम पूरा कोई F2 पीढ़ी तक करें। कैसे करेंगे,
मैंने आपको बताया था गुणा करते समय क्या करो, इनके लक्षण भी लिख लो। जैसे तीन और एक का गुणा किया तो ये टॉल और ये हो गया टॉल रेड, यानी कि लंबे लाल। फिर तीन का दो से गुणा किया छः आया तो ये हो गया टॉल और उधर से ये पिंक। फिर तीन का एक से गुणा किया तो ये टॉल वाइट। फिर ये एक और एक का गुणा होगा ड्वार्फ और रेड, एक और दो का गुणा ड्वार्फ पिंक, और फिर लास्ट में ड्वार्फ वाइट। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें टॉल पिंक चाहिए था, लंबे और गुलाबी। छः आ रहे हैं, कितने में से आए, 16 का चेकर बोर्ड होता है, डायगोनल क्रॉस है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 6/16। अगर हमें किसी एक विशेष की प्रायिकता निकालनी है तो गुणा करते समय लक्षण भी लिख लो, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब इसका हमारा आंसर भी क्या हो गया, 6/16। और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन ये काम बहुत छोटा सा है और आराम से बिना कोई क्रॉस किए भी कर सकते हो। रेशो निकालने गुणा करके निकालो, ठीक है, बस गुणा करने में ध्यान रखना है कि एक लक्षण अपूर्ण प्रभावी, तो रेशो 3:1 की जगह जो अपूर्ण प्रभाविता का रेशो आता है 1:1 ले लो और गुणा कर लो, और बाकी भी प्रायिकता निकालनी है तो उसी के साथ साथ निकाल सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्वेश्चन में अपने को ध्यान ये रखना है कि पूर्ण प्रभाविता का क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता का रेशो, उसी हिसाब से काम में ले। समझ में आ गई बात। तो ये तो हमारी पहली अंतःक्रिया थी, अपूर्ण प्रभाविता। अच्छा, इसमें भी एक चीज और है, जरा उस पर भी गौर कर ले, क्योंकि कुछ लोगों को वहां पर मन में फिर क्वेश्चन आता है कि अपूर्ण प्रभाविता की क्या बात है। देखिए, अगर हम मैकेनिज्म पर बात करें, मैंने आपको प्रभाविता की क्रियाविधि समझाई थी कि जो जीन क्रियात्मक है, क्रियाशील है, जो प्रोटीन बनाता है, कार्य करता है, वो प्रभावी, और जो काम नहीं करता है वो अप्रभावी। अब बाद में मन में ये आया कि फिर अपूर्ण प्रभावी कैसे होते हैं। कह तो दिया हमने कि ये अपूर्ण प्रभावी है, लेकिन हम उसको मैकेनिज्म लेवल पर कैसे समझाएं। भाई, एक जो जीन है उसके लिए तो दो स्थिति है कि या तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर वो कार्य करता है तो प्रभावी है, नहीं करता है तो अप्रभावी, तो फिर वो अपूर्ण कैसे हुआ। कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता दे तो दी, खोज तो दिया, लेकिन वो उसकी कभी मैकेनिज्म नहीं समझा पाए। बाद में भी लोगों ने इस पर प्रयास किया कि आखिर इस अपूर्ण को कैसे समझाए, क्रियाविधि समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हमने कह दिया कि बीच का आ गया अपूर्ण, और जब बाद में आगे अध्ययन हुआ तो पता चला वास्तव में अपूर्ण प्रभाविता नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो ठीक है, कोरेंस ने दिया, हम पढ़ लेते हैं अंतःक्रिया में, बट ये ध्यान रखना कि देयर इज नथिंग लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता जैसी कोई चीज ही नहीं होती। और वास्तव में आप जिसको अपूर्ण प्रभाविता कह रहे हो वो तो कुछ और ही है। क्योंकि देखो, यहाँ मन में प्रश्न क्या आता है, देखो कैपिटल आर रेड, ये कैपिटल आर यहाँ आया तो ये पिंक बनाने लग गया, और यही कैपिटल आर वापस इसमें आया तो फिर रेड बनाने लग गया। मतलब कैपिटल आर कभी रेड बना रहा है, किसी में पिंक बना रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इस चीज को हमें बाद में समझ में आया कि दरअसल जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता कह रहे हैं वो अपूर्ण प्रभाविता नहीं है, ये लक्षण मात्रात्मक है। मैंने आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंत में कहा था कि लक्षण गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, और मेंडल के सारे लक्षण गुणात्मक थे, लेकिन अब आगे मात्रात्मक लक्षण भी आए। मेंडल के 7 लक्षण में कोई मात्रात्मक नहीं था, ये बताई थी मैंने बात, और ये मेंडल किस्मत वाले भी रहे कि कोई मात्रात्मक लक्षण नहीं था, नहीं तो उनको इस तरह से रेशो नहीं आते। मात्रात्मक लक्षण प्रोटीन की बनी मात्रा से तय होता है। अब आप देखिए यहां पर क्या, ये लाल रंग जो है ये वर्णक है, और एक जीन आर से बनता है, तो हर कैपिटल आर एक निर्धारित मात्रा का लाल वर्णक बनाता है, कार्य कर रहा है ये, तो ये कोई आधा अधूरा काम नहीं कर रहा है कि अपूर्ण है, नहीं, जितना इसको काम करना उतना ही कर रहा है। अब यहाँ ये दो कैपिटल आर है तो दोनों अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, तो दोनों का पिगमेंट जुड़कर मात्रा अच्छी खासी हो गई, और इसीलिए लाल रंग आ गया, गहरा लाल रंग मात्रात्मक लक्षण है। फिर क्या हुआ, जब ये विषम युग्म बना तो इधर से कैपिटल आर, इधर से तो स्मॉल आर आया। अब कैपिटल आर तो जितना पिगमेंट यहां बना रहा था उतना ही यहां बना रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला आर है ये नहीं बनाता वर्णक, इसीलिए सफेद है, सफेद मतलब रंगहीन है। तो ये स्मॉल आर यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, और काम करने वाले भी यहाँ तो दो लोग थे, यहाँ कितना रह गया, एक। तो जितना पिगमेंट यहाँ बन रहा है उससे आधा बनेगा, तो ये हमें रंग हल्का हो गया, जो हमें यहाँ गुलाबी दिखाई देता है, वास्तव में ये गुलाबी नहीं है, ये हल्का लाल रंग है। ठीक है, तो ये हल्का हो गया। ऐसे में इस कैपिटल आर के काम में कमी नहीं आई, वो तो बेचारा जितना यहाँ कर रहा था उतना ही यहाँ कर रहा, लेकिन यहाँ काम करने वाले वो अकेले रहेंगे। फिर क्या हुआ, आगे जाकर जब कभी ये दो कैपिटल आर फिर एक साथ आए तो दोनों का वर्णक फिर इकट्ठा होकर मात्रा अच्छी हो गई, तो गहरा लाल बन गया। विषम युग्म में हल्का लाल रंग,
तो गुलाबी दरअसल जो मध्य का स्वरूप आ रहा है वो हल्का लाल रंग है। मैंने आपको मात्रात्मक लक्षणों में भी समझाया था कि मात्रात्मक लक्षण में समयुग्मी प्रभावी और विषम युग्मी में प्रदर्शन अलग अलग दिखेगा। गुणात्मक लक्षण होते तो कैपिटल आर भी रेड होता और कैपिटल आर स्मॉल आर भी रेड ही होता, बट ये लक्षण है मात्रात्मक। अब कोरेंस ने तो क्या मेंडल को पढ़ा था, मेंडल में क्योंकि गुणात्मक लक्षण थे, मटर के पौधे में बैंगनी और सफेद से बैंगनी पुष्प आया, तो यहां भी उन्होंने लाल और सफेद से लाल की उम्मीद करी और लाल नहीं आके गुलाबी दिखा तो उन्होंने अपूर्ण बोल दिया, पर वास्तव में यह अपूर्ण नहीं, यह है मात्रात्मक वंशानुगति। तो ध्यान रखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता जिसे हम कहते हैं, जिन लक्षणों में अपूर्ण प्रभाविता दिखती है वो लक्षण दरअसल क्या है, मात्रात्मक लक्षण। और इसीलिए लास्ट में ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक निष्कर्ष और ध्यान रखिएगा कि अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करने वाले लक्षण वास्तव में एक जीन द्वारा नियंत्रित होने वाले मात्रात्मक लक्षण हैं। ये अभी आगे भी फिर काम आएगा। तो एक जीन से नियंत्रित होने वाले ये मात्रात्मक लक्षण है, ठीक है। और इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता को हम मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक मतलब एक जीन से नियंत्रित होने, क्योंकि देखिए मात्रात्मक लक्षण एक से अधिक जीन से भी बनेंगे, वो आगे आएंगे। तो एक जीन से नियंत्रित होने वाले मात्रात्मक लक्षण को हम लिखते हैं मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, एक जीन द्वारा नियंत्रित होने वाली मात्रात्मक वंशानुगति, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, आज भी नाम चलता है, पढ़ते हैं, उदाहरण भी देते हैं, लेकिन हम जब मैकेनिज्म लेवल पर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अपूर्ण प्रभाविता जिसको कह रहे हैं दरअसल वो क्या है, वो मात्रात्मक वंशानुगति है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा मोनोहाइब्रिड सॉरी जीन अंतक्रियाओं का पहला पार्ट, अलीलिक जीन अंतक्रियाओं में हमने पहली अंतक्रिया पढ़ी अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके उदाहरण और इसके रेशो और क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगली अंतरेक्शन अगला इंटरेक्शन चालू करें।